लाठी क्या गोली भी चल जाए, हमारे खून का के कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। आने वाली सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे। और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा, हम लोग घर नहीं बैठेंगे, संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो आंदोलन कुछ लोग, और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो एससी ओबीसी है, वो अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी, हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की आए बारी आई, शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है, इसको कुचलने का, साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी आजाद, समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूँ कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को फिर कहता हूँ, एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम आरक्षण की भी, संविधान की भी, अपने लोगों की भी, सरकारी संस्थाओं की भी, और जो क्लोजम से बने जज हैं, जहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कमीशन बना के एससी ओबीसी और सामान्य जाति के बच्चों को मौका मिला जज का, वो जो लूट खसोट हो रही है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। हम इन सरकारों को, मानवादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार लूटने देंगे। और किसी भी कीमत पे जब भी सरकार द्वारा कोई हमला होगा, हम लोग घर नहीं बैठेंगे, संकल्प के साथ आज हम लोग मैदान में। जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सचमुच में पीछे छूटे हुए लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश है या फिर साजिश है, आप क्या सोचते हैं? मैं इसको साजिश मानता हूँ। अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था कि जो जातीय हाशिए पे है, आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, क्यों आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को है, 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण ओबीसी को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण, 7.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं, जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं। तो आपकी मनसा पे हमें शक है, हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है कम पढ़े लिखे है, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात की को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी। क्या बदला पिछली बार से इस बार? आप सब लोग गवाह हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में सबसे पहले सरकार को ललकारने काम चंद्रशेखर आजाद ने किया था, नहीं किया था? क्यों किया था? क्योंकि हम सरकार से को समझते हैं, सरकार को जानते हैं। और आप ये बताओ, अगर ये विरोध नहीं होता तो ये 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी सरकार बना रही थी क्या? ये बनते नहीं बनते बताओ। पहले 63 बना रखे लेटर एंट्री के जरिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज ललकार रहा है, और उस दिन हमने ललकारा था, ये ललकार तब तक जारी रहेगी, क्या तो हमारे हमारी आवाज को कुचल दिया जाएगा, या फिर हमारे लोगों को हमारे लोगों को अधिकार मिलेंगे। हम बेवकूफ लोग नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और सत्ता में बैठे लोगों को देखिए, किसी प्रदेश में लाठी नहीं लगी अभी। सबसे पहली लाठी अगर लगी तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है उनके नेतृत्व में लगी, जिस सरकार ने आदेश दिया कि लाठियों से पीटो आंदोलन कुछ लोग, और उसका परिणाम देखिए, एक एसडीएम को पीट दिया। उनको पीटना है, उनको ये नहीं देखना कि वर्दी से बाहर जो है वो एससी ओबीसी है, वो अधिकारी कर्मी, उनको पीटना है, उनका लक्ष्य है पीटना। वो लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लाठियां छोड़िए, हम पिछले आंदोलन हमने कुर्बानियां दी थी, हमने शहीदगी दी थी, हम लाठियों से नहीं, हम गोलियों से नहीं भी डरेंगे। अगर समाज के अधिकार बचाने की आए बारी आई, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारे और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लाठी क्या गोली भी चल जाए, हमारे खून का के कतरा भी बह जाए, हम अपने अधिकारों को इतनी आसानी से सरकारों को छीनने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे।
मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि लाठी गोलियों का हिसाब आने वाले समय में समाज सूद समेत करेगा, इस बात का भी मैं सरकार को वचन देता हूँ। और मैं सरकार को भी चेताता हूँ, शांतिप्रिय आंदोलन है, संवैधानिक आंदोलन है, मर्यादित आंदोलन है, इसको कुचलने का साजिश करने का काम अगर किसी भी सरकार ने किया, मैं चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वचन देता हूं कि उस सरकार को तख्ता पलट करके रख देंगे हम लोग। इस बात को फिर कहता हूं, अब वो दिन चले गए कि हमारी हमारी हमारे खून से भी होली खेलेगा, अब वो दिन नहीं रहे, अब वो दिन चले गए। और फिर मैं कह रहा हूँ एनडीए सतर्क हो जाए, एनडीए में भी जो हमारे लोग उनको समर्थन करके बैठे हैं वो भी अपने समाज के लिए एकजुट खड़े हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो हमारे लोग इस सरकार को, पहले भी एक वोट से माननीय बहन जी ने सरकार गिरा दी थी, आने वाले कम कल में एक एक वोट बहुत कीमती है। एनडीए याद रखे, हमारे लोग जितने समाज के साथ खड़े हुए, जितने वो सांसद बन के गए एससी एसटी के, अगर अपने समाज के साथ खड़े हो गए तो ये सरकार जमीन पे पड़ेगी। इस बात को आप याद रखें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे जिसे समझ आ रहा है वो विरोध कर रहा है, और जिनको नहीं समझ आया उनको अपने भाइयों को हम लोग बिठा के वार्ता करके टेबल टॉक करके समझाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी या नहीं हुई थी? आंदोलन के बाद भी रास्ते होते हैं, हम अपनी एकता को टूटने देंगे। जिनको चुनावी लाभ चाहिए हमारी एकता को अलग अलग करके, वो अलग लोग हैं, हमें अपने भाईचारे को बनाना, हम लोग टेबल टॉक करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम उनसे वार्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि बताओ कहाँ समस्या, समस्या को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। आप बताओ अगर किसी के बड़े भाई को हक मिलेगा क्या छोटा भाई विरोध करेगा, या किसी के छोटे भाई को हक मिलेगा क्या बड़ा भाई विरोध करेगा? सवाल ये है, आप इसको इस तरह समझो, 13 पॉइंट रोस्टर आया था, हम लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध किया। क्यों किया? कि अभी आरक्षण की वजह से छठा पद हमें मिलता है, 3 से 4 पद निकाल के, एकल पद निकाल के जब आरक्षण को बिल्कुल जीरो कर दिया गया और सामान्य जाति के लोगों को भर दिया गया, तो हम इस षड्यंत्र को समझते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करें। इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे भाइयों को मिल रहा तो हम विरोध क्यों विरोध करेंगे? अगर ये 2 नौकरी हमारे भाइयों को मिल जाती है, 2 नौकरी चंद्रशेखर पासी, चंद्रशेखर जाटव के अलावा चंद्रशेखर वाल्मीकि को मिल जाती है, अतुल वाल्मीकि को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है, बात नौकरी की नहीं है, हमारी एकता नहीं टूटनी चाहिए जो सरकार को तोड़ना चाहती है। 2 नौकरी अगर डोम को मिल जाती है, हमें दिक्कत नहीं है, नौकरी की बात थी नहीं, हम एक ग्रुप है, हम एक ताकत है, हमें एक शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों का जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं, तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसे छिपावा नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो चुपचाप बन रहे थे पिछले दरवाजे से बंद हुए, और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपावा नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को, कि वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी आरक्षण की हकवारी नहीं चलेगी, हमारे अधिकारों पर जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पर घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पर रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से बीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पर किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है, हम बेवकूफ़ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे, हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं इस आंदोलन के बाद, उनसे भी बैठ के बात करेंगे
और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं कि वो आके हमें हमारा इंसाफ करे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं, हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हमें ऐसा लगता है आने वाले कल में आरक्षण को, जातिगत जो आरक्षण मिला है उसको आर्थिक आधार पे ले जाके, पहले जो EWS किया गया जो आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला था, इसको तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था राजनीतिक बचाव में, जो कि गलत था। और अब जो है एक और जो फॉर्मूला और उसके बाद कोई नया फॉर्मूला लाके इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक आरक्षण दिया है संरक्षण के तौर पे, हिस्सेदारी के तौर पे उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। हम लोग इसे किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे।